नगर निगम की ओर से सफाई कर्मचारियों व अन्य निगम के कर्मचारियों को मास्क वितरित किए गए। गौरतलब है कि देश विदेश में कोरोना के प्रकोप के चलते नगर निगम की ओर से भी बचाव को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों को मास्क देकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने बताया कि वैसे तो सफाई कर्मचारियों के पास पहले ही नगर निगम द्वारा मास्क दिए जाते हैं ताकि वे सफाई करते वक्त मास्क अवश्य लगाएं, परंतु कोरोना के प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर सभी कर्मचारियों को मास्क और साबुन वितरित किए गए हैं ताकि वे स्वयं स्वच्छ रहें और कोरोना वायरस से बचे रहें। उन्होंने कहा कि अगर सफाई कर्मचारी स्वच्छ रहेगा तो शहर भी स्वच्छ रहेगा। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जागरूक होना जरूरी है और इसका बचाव ही एकमात्र इलाज है। आगे उन्होंने कहा कि वैसे तो करनाल में अभी कोई कोरोना का केस नहीं आया है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि जागरूक से ही कोरोना से बचा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी और जागरूकता ही इसका बचाव है। निगम के कर्मचारियों के पास होते हैं, उन्हें समय समय पर लगाने के लिए भी कहा जाता है, पर वो कई बार जल्दी जल्दी में इस बात का ध्यान नहीं देते कि कर्मचारी अपना मास्क लगा के नहीं रखते। आज यहाँ पे सफाई से संबंधित जो हमारे कर्मचारी हैं उनको सबको अवेयर किया गया और उसको उनको कहा गया कि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें हर तरह की गंदगी के एरिए में जाना पड़ता है, वहाँ सफाई भी करनी पड़ती है। उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी जो ये कोरोना जैसी बीमारी है इसका जो प्रकोप शहर में देशों में विदेशों में देखने को मिल रहा है, आज हमारे शहर में भगवान की कृपा है कि इससे बचाव है, तो इससे बचाव के लिए सबको अवेयर किया है और सारे कर्मचारी ज़रूर अपने मास्क को लगा के रखें। शहरवासी भी जिस तरह से कोरोना का प्रकोप है तो उसमें अपने आप को थोड़ा सा लोक करके रखें, ज़्यादा पब्लिक डीलिंग्स ना करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। हाँ, प्रदेश भर में बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं की गई है जिसमें यदि हमारा कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसके टेस्ट के लिए और उसको ट्रीटमेंट के लिए अलग रखा जा सकता है, पर अभी ये भी हम कहें भगवान की कृपा है कि हमारा हरियाणा प्रदेश इससे बचा हुआ है और करनाल में काफ़ी कम इस बात को सुनने को मिलता है, फिर भी हम चाहेंगे कि बिल्कुल ये बचा रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.